ओके गाइस, तो मैंने एंट्रेंस की है यहाँ पर। एक जो है वो मेरा फ्रेंड का जो है वो रेस्टोरेंट है दी स्कोर के नाम से, और ये पूरा इसका जो है वो पिक्चर्स हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो है वो खूबसूरत किस्म का जो है इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, ज़बरदस्त किस्म की जो है इन्होंने पेंटिंग वगैरह। ये पूरा स्टाफ है इनका, स्टाफ मेम्बर बैठे हैं पीछे आप देख सकते हैं, और मैं आपको लेके चलूँगा रिसेप्शन के पास। ये इसका रिसेप्शन है, हमारे मुबशिर भाई होते हैं इधर काम कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये जो लोकेशन है इसकी, इस रेस्टोरेंट की, वो नीपा चौरंगी के पास सिंदबाद की तरफ ये मौजूद है, ये लोकेटेड है दी स्कोर के नाम से। ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये किचन है इनका, इनका रिसेप्शन एरिया है किचन। इसके पीछे आप देख सकते हैं वो जो ओपन हुआ हुआ डोर वहाँ पर है। और ये इन्होंने बहुत ही एक नई क्रिएटिविटी लेकर आए हैं स्कोर के नाम से रेस्टोरेंट। एक यूनिक सा नाम है, यूनिक सी डिशेज़ हैं। मैंने एक चीज़ इधर ट्राई करी है, अब जो दूसरी चीज़ मैं ट्राई करना करने वाला हूँ वो है, सॉरी मैं मंबल कर रहा हूँ वर्ड्स, लेकिन जो दूसरी चीज़ है जो मैं ट्राई करने वाला हूँ वो है इधर की जो फेमस, इधर का जो बेस्ट बकौल इन लोगों के, इधर के एक बेस्ट जो है वो रेसिपी है, वो है मैक्सिकन फ्रेंच फ्राइज़। मैक्सिकन फ्राइज़, नॉट फ्रेंच फ्राइज़, मैक्सिकन फ्राइज़। तो मैक्सिकन फ्राइज़ को मैं ट्राई करूँगा और इनको बताऊँगा। अभी मैंने बीफ बर्गर ट्राई किया था, चीज़ बर्गर, बीफ बर्गर इन लोगों का बीफ चीज़ बर्गर, तो वो मुझे काफ़ी जो है वो अच्छा लगा। फैमिलीज़ वगैरह अगर यहाँ पर आती हैं तो उनको एक अच्छा रिसेप्शन मिलता है। बॉयज़ के लिए एक अलग एरिया है और फैमिलीज़ के लिए एक अलग एरिया है। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने इनसे डिस्कस करी वो ये कि इन्होंने स्कोर नाम रखा है, और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, बेसबॉल भी हैं, बास्केटबॉल्स भी हैं, बेसबॉल्स भी देख सकते हैं, बेसबॉल बैट्स आप देख सकते हैं, और बास्केटबॉल भी है। और यहाँ पर एक ये निशानेबाजी करने वाला, इसको बोलते क्या है मेरे को, मुझको नहीं पता, तो ये भी बनाया हुआ है, और ये बास्केटबॉल भी है। मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी लुक दिया हुआ है, स्पोर्टी जो है वो इन्होंने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, स्पोर्ट से रिलेटेड चीज़ें डाली हुई हैं। यहाँ पे एक बैल्कनी बनाई हुई है, इन्होंने एक बॉल बनाई हुई है जिसमें हॉल ऑफ फेम है, और तमाम जो हैं वो स्पोर्ट्स के जो माहिर थे अलग अलग फील्ड के, सचिन तेंदुलकर हो गए, इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, और रोनाल्डिनी हो गए, मोहम्मद अली हो गए, द किंग ऑफ फुटबॉल का नाम क्या है, अपना दीपनिशर एक थे बैडमिंटन चैम्पियन, और इसी तरीके से जो है वो सब लोगों की जो इन्होंने पोस्टर यहाँ पे लगाए हुए हैं कोटेशंस के साथ। और ये फिर एक आती है सेल्फी वॉल, बकौल इन लोगों के ये एक सेल्फी वॉल है, लिविंग लेजेंड्स हैं जो अभी भी हैं मौजूद इस दुनिया में, उनकी जो है वो सेल्फीज आप देख सकते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई जो है वो स्ट्रेटजी है इन लोगों की, एक नई जो है वो रिस्क है, नई सोच है। और उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं ये लोग, तो उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि इनका रेस्टोरेंट जो है वो तरक्की करे, आसमानों की बुलंदियों को छुए। इन लोगों की जो सोच है वो ये है कि वो ब्रांचेस वगैरह भी खोलेंगे। देखें आप देख सकते हैं, ये मेरा बीफ बर्गर जो है आ चुका है, अब मैं इसको भी ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, और इसका भी फीडबैक दूंगा आप लोगों को। ये स्टाफ मेंबर हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, यहाँ के स्टाफ था ये। और ये पूरी जो है पिक्चर है इस रेस्टोरेंट की, स्कोर की, ऊपर आप देख सकते हैं मर्चेंडाइज है स्पोर्ट्स का। और यहाँ पर जो है वो बहुत सी चीज़ें मैंने देखी, बहुत से नए आइडियाज़ देखे, मर्चेंडाइज भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो विनर्स होते हैं, जो कंपटीशन भी लगाते हैं यहाँ पर, जो विनर्स होते हैं उनको कुछ मर्चेंडाइज देते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड। दी स्कोर नाम है इस रेस्टोरेंट का, उसी हवाले से जो है वो प्राइजेज हैं, और स्क्रीनिंग भी होती है अगर मैचेस होते हैं, बड़े मैचेस होते हैं तो स्क्रीनिंग भी होती है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। मैंने इन लोगों से डिस्कस किया कि इन, क्योंकि ये दी स्कोर स्पोर्ट्स के हवाले से है, और रेसिपीज़ वगैरह जो इन्होंने बनाई हुई हैं ये भी अच्छी हैं, तो मैंने इनको एक गाइडेंस दी, मैंने इनको थोड़ा सा डिस्कस किया, और एक थोड़ा सा मैंने इनको मशवरा दिया, वो ये कि आप लोग क्यों नहीं एक नया, एक सेपरेट रूम बनाते हैं, एक सेपरेट एरिया बनाते हैं, जहाँ पे छोटे इंडोर स्पोर्ट्स होते हों, जहाँ पे स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स होते हों, और वहाँ पर जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स और फैमिलीज मेम्बर जितने भी होते हैं तो वो आकर जो है वहाँ पर
थोड़ा सा लुफ्तानंदोज़ हो जाएं, उन गेम को इन्जॉय करें, उन गेम्स को इन्जॉय करें और थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करें उन गेम्स को खेल कर। तो ये मैंने इनसे डिस्कस किया है, अब देखें क्या करते हैं ये लोग। इन्होंने इन लोगों को अच्छी लगी ये बात, इन लोगों ने बोला कि हाँ एक नई जो है इसके ऊपर भी कुछ करेंगे हम लोग। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये इसका पूरा प्रॉपर मंजर है और ये हॉल ऑफ फेम है, मोहम्मद अली हो गए और जितने भी यहाँ पे, वसीम अकरम को देख सकते हैं आप, इमरान खान भी हैं, तो उनकी कोटेशंस भी डाले हैं इन लोगों ने, उनकी जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी जो और ये एक स्टाफ मेंबर हैं बहुत ही तो थोड़ा सा शर्माते हैं ये स्टाफ मेंबर हैं और बहुत ही इनका भी मैंने काम देखा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। और इन्होंने किचन की जो इन्होंने सफाई वगैरह रखी हुई है, अभी तक मैंने जितना भी इनका काम देखा बिल्कुल क्लीन है, साफ है, सुंदर काम है इनका, सोफिस्टिकेटेड माहौल है और बहुत ही टैलेंटेड किस्म के लोग हैं, अच्छे रेसिपीज़ बनाते हैं। टेस्ट किया मैंने इनकी, अभी बर्गर भी टेस्ट करूँगा दोबारा से, कोई दूसरा बर्गर है ये। और इससे पहले जो है मैंने एक बर्गर टेस्ट किया था, अभी मुझे बुलाए जा रहे हैं बार बार कि आप आ जाओ, आपकी चीज़ें ठंडी हो रही हैं। तो बाकी मैं जाता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, फिर बताऊँगा, फीडबैक दूँगा। बाकी ये वीडियो है जो है वो, और वीडियोज़ जो आप देखना चाहते हैं वो हैदर अली खान के यूट्यूब चैनल लेजेंड ब्लॉग्स, और जितनी भी चीज़ें सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो। बाकी ये सब जो नॉलेज है इसको इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे, वीडियोस डालते रहेंगे और इनसे और इधर की जो है वो वीडियोस वगैरह जो है कराची में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे जाने माने फेमस रेस्टोरेंट हैं, उनकी कोशिश करता रहूँगा कि उनकी वीडियोज़ जो है वो अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँ यूट्यूब के। बाकी ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा इनका एटमोसफियर, हाँ थोड़ी सी क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ी सी पब्लिक जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रही, लेकिन कभी ना कभी अट्रैक्ट होगी थोड़ा सा अगर नाम बन गया। फेसबुक पे पेज है डिस्कोर के नाम से इन लोगों का, अच्छा पेज चला रहे हैं, अच्छी वीडियोस डालते हैं वहाँ पे और पोस्ट डालते हैं वहाँ पे, इनके कॉन्टेस्ट होते हैं, जो कॉन्टेस्ट जीता है उसको स्पोर्ट्स के मर्चेंडाइज मिलते हैं। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, अच्छा लग रहा है। मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, इन लोगों ने मुझे दावत दी, आज बुलाया कि आप आओ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्होंने जो है वो रिसेप्शन दिया, ट्रीटमेंट करी, हॉस्पिटैलिटी इनकी अच्छी थी बहुत। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं मुनीब, मोहित, मुईज़, मुबशर, ये सारे जो है इनका पूरा मेंबर है, पूरी इनकी टीम है और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये पूरा मंजर था इसका, मैं लोगों भी दिखाता हूँ, इसका फ्रंट एरिया में दिखाता हूँ आपको, बाहर जा रहा हूँ मैं रेस्टोरेंट के, तो इसका फ्रंट एरिया में दिखाता हूँ आपको। तो ये कंप्लीट मंजर था, मैंने कोशिश करी कि मैं हर एरिया से, हर जगह से इसको दिखाऊं, वो मैंने आपको दिखाया। तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो और क्या क्या चीज़ें इन लोगों को करनी चाहिए। और फैमिलीज़ को लेकर आएँ ज़रूर इधर, ये नीपा चौरंगी के बाद मौजूद है लोकेशन इसकी, और बाकी टेस्ट करें, फैमिलीज़ के साथ आएँ, स्पोर्ट्स करें आप, इंडोर स्पोर्ट्स हैं। तो बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।